subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप खबर अपडेट देख रहे हैं। खाने का कोई धर्म नहीं होता, इस एक लाइन के जवाब से जोमैटो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मामला तो आपको पता ही होगा कि कैसे पंडित अमित शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने सिर्फ इस बात पर ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति आ रहा था। जोमैटो के साथ साथ अमित शुक्ला भी फेमस हो गए हैं, अब ट्विटर वार हो रहा है। कुछ अमित के सपोर्ट में है तो कुछ जोमैटो के। आज तो ट्विटर पर आई डोंट स्टैंड विथ अमित नाम से हैशटैग भी चल रहा है। लोग इस हैशटैग के जरिए अपना ट्वीट भी लिख रहे हैं। लेकिन इस बीच अमित के सपोर्ट में भी खड़े लोग जो है वो पोस्ट कर रहे हैं और ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें जोमैटो अपने कस्टमर्स के इस शिकायत को लेकर माफी मांग रहा है कि उसे हलाल मीट नहीं मिला। जोमैटो के इस ट्वीट को लेकर बात मुस्लिम और हिंदू वाली डिबेट पर जा पहुंची है। लोग कह रहे हैं कि जोमैटो हिंदू विरोधी है, अगर खाने का कोई धर्म नहीं होता तो जोमैटो मुस्लिम कस्टमर को हलाल नहीं मिलने पर माफी क्यों मांग रहा है। हालांकि जोमैटो ने इस बात को लेकर आज एक लेटर पोस्ट किया है। अब इस पोस्ट से एक अलग विवाद खड़ा हो गया है, विवाद है हलाल और झटका का। जोमैटो ने अपने लेटर में अपनी बात को दोहराते हुए लिखा है कि हाँ, खाने का कोई धर्म नहीं होता, यह आदमी की अपनी च्वाइस है कि वो क्या पकाना चाहता है और क्या खाना चाहता है। हमारे पास वेगन फूड, नवरात्रि फूड और जैन फूड जैसे टैग भी हैं। जोमैटो ने अपने लेटर में हलाल को लेकर लिखा है कि जो रेस्टोरेंट इसे बेचते हैं उनके पास हलाल मीट के लिए भारत सरकार से सर्टिफिकेशन होता है, हमारा इस कैटेगराइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। जोमैटो ने आगे लिखा है कि हलाल की तरह झटका के लिए कोई ऑर्गेनाइज यूनिट नहीं है, इसी कारण हमारे पास यह टैग नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर की डिमांड होगी तो इसे जल्द जोड़ा जाएगा। हम अपना स्टैंड बताएंगे, लेकिन पहले हलाल और झटका के बारे में जान लीजिए। ये दोनों ही जानवर को मारने के तरीके हैं। हलाल में जानवर के गर्दन पर एक डीप कट लगाया जाता है, इस तरीके के मांस जो है ज्यादातर मुस्लिमों में प्रचलित है। वहीं झटका में जानवर के सर को एक ही झटके में अलग कर दिया जाता है, इसे खाना हिंदुओं और सिखों में ज्यादा प्रचलित माना जाता है। इस पूरे मामले को लेकर जोमैटो का विरोध कर रहे लोग लिख रहे हैं कि जोमैटो अपने मुस्लिम कस्टमर को हलाल खिलाए और उसे झटका देने, यानी उसे उसके ऐप को हम इंस्टॉल करेंगे। वैसे हम आपको अपना स्टैंड भी क्लियर कर देते हैं, हलाल का जिक्र कर जोमैटो ने कोई गलत बात नहीं कही है। हर आदमी की अपनी च्वाइस है खाने का को लेकर के, खाने का धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म और मान्यताओं के अनुसार खाना जरूर होता है। जैसे नवरात्रे में खाना अलग हो सकता है और अन्य व्रत त्योहारों में खाना अलग, लेकिन यहाँ मामला खाने के धर्म से नहीं जुड़ा है, इंसान के धर्म से जुड़ा है। और जब बात इंसान के धर्म की आती है तो मामला मौलिक अधिकारों का होता है, जिसमें समानता का अधिकार है। साथ ही डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना नहीं लेने का जो मामला है वह एक तरह से छुआछूत ही है। अमित शुक्ला को सपोर्ट कर रहे लोगों को यह सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि सोच उनकी गलत है, ना कि जोमैटो की। खबर अपडेट की रिपोर्ट।